हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश गुप्ता एग्जाम टेन चैनल से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा भारत के प्रमुख मंदिर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख मंदिर के बारे में कि भारत में कौन कौन से मंदिर पड़ते हैं और एग्जाम के हिसाब से कौन कौन सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी इम्पोर्टेंट है सारे मंदिरों को आज हम लोग कवर करने वाले हैं और अच्छे से डिटेल में जानेंगे कौन सा मंदिर कहाँ पड़ता है और उसकी क्या विशेषता है, ठीक है, और उसे कब बनाया गया था। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला है मीनाक्षी मंदिर, ठीक है, सबसे पहला है मीनाक्षी मंदिर। तो यह दोस्तों तमिलनाडु राज्य के मदुरई शहर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु राज्य के मदुरई शहर में पड़ता है मीनाक्षी मंदिर। और यह दोस्तों 16वीं शताब्दी में बनाया गया था, 16वीं शताब्दी में बनाया गया था, तो बहुत ही पुराना मंदिर है। और कहते हैं दोस्तों कि यह मंदिर जो है माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है, माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला है खुजराहो मंदिर। खुजराहो मंदिर दोस्तों यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ता है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ता है, और इसे चंदेल शासकों ने बनाया था। कौन बनाया था? तो चंदेल शासकों ने बनाया था। कब बनवाया था? तो 900 से लेकर 1130 ईस्वी में बनाया था, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों अंकोर वाट मंदिर। अंकोर वाट मंदिर यह दोस्तों भारत से बाहर का है, यह सिंगल मंदिर है जो भारत से बाहर का है। इसको भी देख लेंगे क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अंकोर वाट, ठीक है दोस्तों, यह कंबोडिया में पड़ता है, ठीक है, यह मंदिर कंबोडिया में पड़ता है। और यह जयवर्मा द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो जयवर्मा द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया था। और यह दोस्तों 1181 से 1205 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1181 से 1205 ईस्वी में बना था। और ये दोस्तों कहा जाता है कि यह मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है दोस्तों दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर दोस्तों यह राजस्थान राज्य के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान जिले के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में पड़ता है। और दोस्तों यह वास्तुपाल और तेजपाल ने इसे बनाया है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनाया है? तो वास्तुपाल और तेजपाल ने बनाया है। कब बनाया है? 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में बनाया यह मंदिर, ठीक है, तो यह भी बहुत ही पुराना मंदिर है। और दोस्तों अगर हम इस मंदिर की विशेषता जान लें तो यह मंदिर जो है सफेद पत्थरों का बना हुआ है, यह मंदिर जो है सफेद पत्थरों का बना हुआ है, और यह माउंट आबू में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? माउंट आबू में पड़ता है। और इसकी जो जो माउंट आबू की बात करें तो दोस्तों यह अरावली पर्वत है उसका हिस्सा है। माउंट आबू जो है अरावली पहाड़ियों का हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ की जो सबसे ऊंची शिखर है उसको भी जान लेते हैं। जो सबसे ऊंची शिखर है वह है गुरु शिखर, ठीक है, इसे गुरु शिखर बोलते हैं। सबसे ऊंची पीक को गुरु शिखर बोलते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं, अगला है दोस्तों ब्रह्मा मंदिर, ठीक है। ब्रह्मा मंदिर दोस्तों कहा जाता है कि पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है। एक तो राजस्थान में है, और वैसे ब्रह्मा जी का दो मंदिर है मुख्य रूप से। एक तो अमेरिका में भी एक ब्रह्मा जी का मंदिर है, लेकिन जो माना जाता है वो ये राजस्थान वाला माना जाता है, ठीक है, एक ही इसी को मान्यता प्राप्त है। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का पूरे विश्व में एक ही मंदिर है और वहीं ब्रह्मा जी की पूजा होती है, ठीक है। और यह पड़ता कहाँ है? तो राजस्थान राज्य के अजमेर जिला में पड़ता है। राजस्थान राज्य के अजमेर जिला में पड़ता है ब्रह्मा मंदिर, ठीक है दोस्तों। इसे पुष्कर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसे पुष्कर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और यह दोस्तों 16वीं शताब्दी में बना था, 14वीं शताब्दी में बना था, ठीक है, 14वीं सदी में बना था दोस्तों। इसके साथ साथ ब्रह्मा जी की थोड़ी सी कहानी भी जान लेते हैं क्योंकि यह सिंगल गॉड ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक मंदिर है। तो काहे ऐसा क्यों है कि सिर्फ एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का? तो दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों एक बार हुआ क्या कि ब्रह्मा जी जो है यजन्या की पूजा हो रही थी, ठीक है, यजन्या की पूजा हो रही थी। वहां पे ब्रह्मा जी को उस पूजा में बैठना था, ठीक है, यजन्या की पूजा में ब्रह्मा जी को बैठना था। और कहा जाता है कि जो यजन्या की पूजा होती है वह जो है अपने मतलब एक पति 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 और पत्नी का जोड़ा होता है उसके साथ ही बैठ के वो पूरी की जा सकती है यजन्या की पूजा। तो दोस्तों होता क्या है कि ब्रह्मा जी की पत्नी रहती है सावित्री,
वो कहीं गई रहती हैं, ठीक है, कहीं गई रहती हैं। और उस समय ब्रह्मा जी को बहुत ही जरूरी रहता है कि उनको यजन्या की पूजा में बैठना रहता है, तो लोगों का कहना रहता है कि आप दूसरी दूसरा विवाह कर लीजिए और यजन्या की पूजा जो है संपन्न करिए, ठीक है। तो वहाँ पे गायत्री जी रहती है, ब्रह्मा जी का विवाह जो है गायत्री जी के साथ हो जाता है। और जब ब्रह्मा जी का विवाह गायत्री जी के साथ हो जाता है तो वह पूजा में तो बैठ जाते हैं और यजन्या की पूजा जो है वो संपन्न कर लेते हैं। बाद में क्या होता है कि जो उनकी पत्नी सावित्री रहती है ब्रह्मा जी की, वह आती है और देखती है ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मा जी ने दूसरा विवाह कर लिया है, तो इससे वह पूरी क्रोधित हो जाती है और क्रोध में आके ब्रह्मा जी को श्राप देती हैं कि आपको अब पूरे विश्व में कहीं नहीं पूजा जाएगा, सिर्फ एक ही जगह पूजा जाएगा, आपका सिर्फ एक ही मंदिर होगा राजस्थान में, ठीक है। तो वह यही मंदिर है, पुष्कर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है इसे, और यह राजस्थान के अजमेर जिला में पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों अगला है जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर यह उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में पड़ता है, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं, इसे दोस्तों राजा इंद्रदुम्न ने 7वीं सदी में बनाया था। कब बनाया था? राजा इंद्रदुम्न ने 7वीं सदी में बनाया था, ठीक है। और कहा जाता है कि यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण की और बलभद्र की और उनकी बहन सुभद्रा की, तीन लोगों की मूर्तियां हैं, ठीक है, जो बहुत ही फेमस है। यही तीन मूर्तियां हैं यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर में। अगला देखते हैं, अगला है दोस्तों बालाजी मंदिर, ठीक है। बालाजी मंदिर इसे तिरुपति बालाजी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसी मंदिर को हम लोग तिरुपति बालाजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह दोस्तों पूरे इंडिया का, पूरे भारत का सबसे सर्वमान्य मंदिर है। यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा लोग तीर्थ के लिए जाते हैं और सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए जाते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पे होती है बालाजी में, और जो है इस मंदिर में सबसे ज्यादा चढ़ावे चढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला में पड़ता है। और इसे जो है चोल और होयसल के योगदानों से बना है, ठीक है। यह चोल और होयसल के योगदान से बना है। कहते हैं दोस्तों कि यह बालाजी का जो मंदिर है, तिरुपति बालाजी का, यह तिरुपति की तिरुमाला की पहाड़ियों में बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? तिरुमाला की पहाड़ियों में बसा हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों बालाजी का जो ये मंदिर है, इस पे ये भी जान लेते हैं कि यहाँ पे किसका जो है या किसको समर्पित है, किस भगवान, यहाँ पे कौन से भगवान है। तो दोस्तों जो है यहाँ पे लॉर्ड वेंकटेश्वर को समर्पित है, यह लॉर्ड वेंकटेश्वर को यह समर्पित है। और इसे लॉर्ड वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे लॉर्ड वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, तिरुपति बालाजी को, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों सिद्धि विनायक मंदिर। इसके बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, यह मुंबई का सबसे फेमस मंदिर है और यह मुंबई में प्रभा देवी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मुंबई के प्रभा देवी में पड़ता है। कब बना था यह? तो दोस्तों यह 1692 में बना था। और यह जो है भगवान गणेश को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान गणेश को समर्पित है, तो गणपति बप्पा मौर्या। देखते हैं रामानाथ स्वामी मंदिर। रामानाथ स्वामी मंदिर दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी देखते हैं दोस्तों। यह तमिलनाडु के रामानाथपुरम में जिले में पड़ता है। तमिलनाडु के रामानाथपुरम जिले में पड़ता है। और इसे कौन बनाया था? तो दोस्तों इसे लंका के राजा पराक्रम बाहु ने बनाया था। लंका के राजा पराक्रम बाहु ने बनाया था। दोस्तों इसके साथ साथ यह भी जान लेते हैं कि यह जो रामानाथ स्वामी मंदिर है, यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग जो हिंदुओं के 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं उनमें से एक है। यह भगवान शिव को समर्पित है। किसे समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों कहा जाता है कि यहीं पर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ है। कहाँ पे? रामानाथपुरम जिले में, तमिलनाडु के, ठीक है। यहीं पे एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ है और यहीं पे प्रसिद्ध गणित साइंटिस्ट रामानुजम का भी जन्म हुआ है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद करके रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला है दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर। ये तो अपना मंदिर आ गया एकदम फेमस, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर दोस्तों यह वाराणसी में पड़ता है। आप सब लोग जानते हैं यह तो वाराणसी में पड़ता है, काशी विश्वनाथ मंदिर, ठीक है। और इसके बारे में जानते हैं तो दोस्तों यह महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। कौन बनवाया था इसे? महारानी
अहिल्या बाई होलकर ने इसे बनवाया था। और यह किसे समर्पित है? तो दोस्तों यह भी भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। अगला है दोस्तों सोमनाथ मंदिर, ठीक है, सोमनाथ मंदिर। दोस्तों यह गुजरात के वेरावल में पड़ता है, गुजरात के वेरावल में पड़ता है। वर्तमान में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे बनवाया है, ठीक है। और कहा जाता है कि 1024 में महमूद गजनवी जो है इसे भ्रष्ट करने के लिए आया रहता है। तो दोस्तों इसके बारे में भी जान लेते हैं। यह जो है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, यह भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और यह मंदिर सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है, भगवान शिव को समर्पित। दोस्तों एक चीज जान लेंगे हम लोग कि जहां भी हमें ये नाथ शब्द आए, नाथ आए लास्ट में, वहां पे यह जान लेंगे कि यह भगवान शिव से संबंध रखता है, ठीक है। जहां भी नाथ आए तो वह भगवान शिव को समर्पित होता है, ठीक है। तो इससे आप लोग पहचान लेंगे कि यह मंदिर किस भगवान का हो सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ यह भी जानते हैं कि दोस्तों इसे बहुत से मुस्लिमों ने तोड़ने की कोशिश की, इस मंदिर को, सोमनाथ मंदिर को बहुत से मुस्लिम राजाओं ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं तोड़ पाया इसे, ठीक है। तो यह था सोमनाथ मंदिर की कहानी। आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ, तो अगला है दक्षिणेश्वर मंदिर, दक्षिणेश्वर मंदिर, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों यह कोलकाता के उत्तर में विवेकानंद पुल के पास में पड़ता है, ठीक है, कोलकाता के उत्तर में विवेकानंद पुल के पास में पड़ता है। इसे कौन बनवाया था? तो दोस्तों इसका निर्माण जो है जान बाजार की महारानी रासमणि ने करवाया था, जान बाजार की महारानी रासमणि ने करवाया था, ठीक है। तो और यह दोस्तों जो दक्षिणेश्वर मंदिर है यह माता काली को समर्पित है, ठीक है, किसको समर्पित है? माता काली को समर्पित है। कहा जाता है यहाँ पे कि काली कलकत्ते वाली, ठीक है, तो इसी का नारा है काली कलकत्ते वाली, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है दोस्तों केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, तो इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों केदारनाथ मंदिर जो है यह उत्तराखंड में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है, ठीक है। और इसे बनवाया किसने है? तो दोस्तों इसे पांडव वंश के जनमेजय ने बनाया है, ठीक है, पांडव वंश के जनमेजय ने बनाया है। दोस्तों उत्तराखंड को देवभूमि भी बोला जाता है, उत्तराखंड को देवभूमि भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको भी जानते हैं दोस्तों। पहली बात तो यह चार धाम में से एक है, केदारनाथ मंदिर जो है यह चार धाम में से एक धाम है, ठीक है। और दोस्तों यह चारों धाम के नाम भी जान लेते हैं, जो है केदारनाथ, ठीक है, गंगोत्री, बद्रीनाथ और यमुनोत्री, यह चारों धाम है, केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ और यमुनोत्री, ठीक है। यह हिंदुओं के चारों धाम है, ठीक है। और यह चारों के चारों धाम जो है उत्तराखंड में ही पड़ते हैं, चारों धाम उत्तराखंड में पड़ते हैं, इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है दोस्तों काल भैरेश्वर, ठीक है, काल भैरेश्वर, काल भैरेश्वर मंदिर के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों यह जो है कर्नाटक के राजा राजेश्वरी नगर में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? कर्नाटक के राजा राजेश्वरी नगर में पड़ता है, ठीक है। और इसको जो है दोस्तों यह काल भैरव के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है, काल भैरव के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। अगला है दोस्तों धर्म स्थल, धर्म स्थल मंजुना थेसवाला, ठीक है, धर्म स्थल मंजुना थेसवाला मंदिर, ठीक है। यह कर्नाटक राज्य के बेल थंगड़ी नगर के कन्नड़ जिला में पड़ता है, ठीक है। यह लक्षद्वीप में इसका उत्सव भी होता है, लक्षद्वीप नाम से इसका उत्सव भी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर। दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट, हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं बृहदेश्वर मंदिर से, ठीक है। यह जो है तमिलनाडु के तंजौर में पड़ता है, तमिलनाडु राज्य के तंजौर जिले में पड़ता है, ठीक है, तंजौर में। यह 11वीं सदी में चोल शासकों द्वारा बनवाया गया था, कब कब बनाया गया था? 11वीं सदी में चोल शासकों द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे कहा जाता है कि प्रथम राजा राजचोल ने 1003 से 1010 में इसे बनवाया था, इसका निर्माण करवाया था, बृहदेश्वर मंदिर का, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों नटराज मंदिर, ठीक है, नटराज मंदिर, तो नटराज मंदिर के बारे में जानते हैं। दोस्तों यह तमिलनाडु के चिदंबरम में पड़ता है, तमिलनाडु के चिदंबरम में पड़ता है। और यह 10वीं से 12वीं सदी के चोल काल में बना था, ठीक है,
दसवीं से 12वीं सदी के चोल काल में बना था। नेक्स्ट है दोस्तों मरुधेश्वर मंदिर, ठीक है, यह कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में पड़ता है, कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में पड़ता है। यह भी भगवान, यहाँ पे जो है भगवान शिव की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है, भगवान शिव की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है, ठीक है। अगला है दोस्तों गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल, तो इसके बारे में जानते हैं। गोल्डन टेम्पल के बारे में दोस्तों, गोल्डन मंदिर का नाम आप सब लोग ने सुना होगा, इसे जो दोस्तों जो है हरमिंदर साहिब के नाम से भी जानते हैं, इस मंदिर को हरमिंदर साहिब मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बहुत ही फेमस मंदिर है दोस्तों। यह पंजाब के अमृतसर शहर में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, पंजाब के अमृतसर शहर में पड़ता है गोल्डन टेम्पल, ठीक है। यह इसे जो है दोस्तों गुरु रामदास ने बनवाया था, कौन बनाया था, कौन बनाया था, गुरु रामदास ने बनवाया था, सिखों के गुरु रामदास ने इसे बनवाया था 1585 में, कब बनाया था, 1585 में। और दोस्तों और यह सिख धर्म का सबसे मशहूर गुरुद्वारा है, यहाँ पे जो है यह जो है गोल्डन टेम्पल जो है सिख धर्म का सबसे मशहूर गुरुद्वारा है, और यहाँ लगभग 1 लाख लोगों को रोज खाना भी खिलाया जाता है, 1 लाख लोगों को रोज खाना खिलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है दोस्तों मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर के बारे में जानते हैं दोस्तों। यह तमिलनाडु राज्य के मदुरई शहर में पड़ता है और 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है, और यह माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ये दोबारा आ गया, लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है दोस्तों वैष्णो देवी मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, यह दोस्तों जम्मू कश्मीर में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, आप लोग सब लोग ने इसके बारे में सुने होंगे, ठीक है। तो यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है वैष्णो देवी का मंदिर, और यह शक्ति को समर्पित है, किसको समर्पित है, शक्ति को समर्पित है। और दोस्तों यहाँ पे जो है भैरवनाथ का भी मंदिर है, आप लोग गए होंगे तो जानते होंगे यहाँ पे भैरवनाथ का भी मंदिर है, और ये जो मंदिर है कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में कहाँ पड़ता है, टाउन का नाम है कटरा, ठीक है, कटरा। अगला है दोस्तों कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर, इसके बारे में भी आप लोग सब लोग सुनने होंगे, बहुत फेमस मंदिर है यह भी कोणार्क मंदिर, यह जो है उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में पड़ता है। यह दोस्तों 13वीं शताब्दी में बना था, कब बना था, 13वीं शताब्दी में बना था, कौन बनवाया था इसे, तो दोस्तों नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, नरसिंह देव प्रथम कहाँ के थे, वो गंग वंश के थे, किस वंश के थे, गंग वंश के थे। कहा जाता है दोस्तों कि यह मंदिर जो है भगवान सूर्य को समर्पित है, किसको समर्पित है, तो भगवान सूर्य देव को समर्पित है, ठीक है, और यह 13वीं शताब्दी में बना है दोस्तों। यह यूनेस्को द्वारा ने इसे विश्व धरोहर भी घोषित किया हुआ है, कोणार्क मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों स्वामी नारायण मंदिर, ठीक है, स्वामी नारायण मंदिर, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। यह जो है नई दिल्ली में पड़ता है, स्वामी नारायण मंदिर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, इसे अक्षरधाम मंदिर के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, अक्षरधाम मंदिर से, बहुत ही बड़ा मंदिर है, बहुत विशाल और बहुत ही भव्य मंदिर है, ठीक है, अगर आप लोग नहीं गए हैं तो जा सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, ठीक है, स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम मंदिर, ठीक है, यह नई दिल्ली में पड़ता है, और इसका निर्माण जो है 6 नवंबर 2004 को हुआ है, 6 नवंबर 2004 को हुआ है, और यह प्रमुख, यहाँ प्रमुख स्वामी महाराज अक्षरधाम ने इसे बनवाया है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है दोस्तों श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल, श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल, ठीक है, इसके पहले भी हम लोग ये गोल्डन टेम्पल पढ़े हैं, लेकिन यह दूसरा है, ठीक है, वो वाला गोल्डन टेम्पल नहीं, यह दूसरा है। यह तमिलनाडु राज्य के वेल्लोर नगर में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु राज्य के वेल्लोर नगर में पड़ता है, ठीक है। कहा जाता है दोस्तों कि 15,000 किलोग्राम, 15,000 किलोग्राम विशुद्ध सोने का इस्तेमाल करके इस मंदिर को बनाया गया है, 15,000 किलोग्राम, ठीक है, 15,000 किलोग्राम विशुद्ध सोने का इस्तेमाल करके इस मंदिर को बनाया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है बेलूर मठ, ठीक है, बेलूर मठ,
दोस्तों इसे पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पश्चिमी तट पर जो है यह मंदिर बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पश्चिमी तट पर यह मंदिर बना हुआ है, बेलूर मठ। ठीक है, यह 1938 में रामकृष्ण मिशन ने इसे बनाया था। 1938 में रामकृष्ण मिशन ने इसे बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला है जम्बूकेश्वर मंदिर। जम्बूकेश्वर मंदिर दोस्तों यह तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, और इसे कब बनाया गया था? तो दोस्तों इसे जो है दूसरी सदी में बनाया गया था, दूसरी सदी में बनाया गया था। अगला देखते हैं, अगला है दोस्तों पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर दोस्तों यह नेपाल के काठमांडू में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल के काठमांडू में। नेपाल जो ये काठमांडू है, नेपाल की राजधानी है। ठीक है, काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है। ठीक है, और जो पशुपतिनाथ मंदिर है यह 16वीं शताब्दी में बना था। और कौन बनाया था? तो राजा प्रताप मल्ल ने इसे बनाया था। राजा प्रताप मल्ल ने इसे बनाया था। अगला है दोस्तों पद्मनाभा स्वामी मंदिर। पद्मनाभा स्वामी मंदिर ठीक है, यह केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में पड़ता है। ठीक है, यह 1733 में इसका पुनर्निर्माण हुआ था। कब? 1733 में इसका पुनर्निर्माण हुआ था। और यह जो है त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने बनाया था। इसके पहले भी यह मंदिर तो बहुत ही पुराना है, लेकिन कब बना था किसी को इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों कामाख्या मंदिर। ठीक है, कामाख्या मंदिर इसके बारे में जानते हैं। कामाख्या मंदिर के बारे में, यह भी बहुत ही फेमस मंदिर है। यह असम की राजधानी दिसपुर के पास नीलांचल पर्वत पे पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम की राजधानी दिसपुर के पास नीलांचल पर्वत पर पड़ता है। ठीक है, कामाख्या मंदिर कहा जाता है इसे चीला राय ने बनवाया है। कौन बनवाया? चीला राय ने बनवाया है। अगला है दोस्तों सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर दोस्तों यह केरल राज्य के पंपा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरल राज्य के पंपा में पड़ता है। ठीक है, और यह दोस्तों यह मंदिर जो सबरीमाला मंदिर है, यह 700 से 800 साल पहले दक्षिण में शैव और वैष्णव धर्म के लोगों ने मिलके इसे बनाया था, सबरीमाला मंदिर। ठीक है दोस्तों, कहा जाता है कि पूरे केरला में जो है सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे तीर्थ करने जाते हैं। आप लोग गूगल में इसका फोटो देखेंगे, फोटो देख के आप लोग दंग हो जाएंगे कि इतनी ज्यादा मात्रा में पब्लिक, इतना ज्यादा भीड़ हो सकता है किसी मंदिर में, और हर रोज। ठीक है, तो आप गूगल में इसको सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि सबसे ज्यादा लोग यहाँ तीर्थ करने जाते हैं केरला में। ठीक है, और यह कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी है, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी है इस मंदिर का नाम। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों एकम्बरेश्वर मंदिर। एकम्बरेश्वर मंदिर ठीक है, तो इसके बारे में भी जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह है जो है तमिलनाडु के कांचीपुरम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के कांचीपुरम में पड़ता है। ठीक है, और तमिलनाडु के कांचीपुरम में पड़ता है। और दोस्तों यह मंदिर जो है यहाँ पे जो है साड़ियों के लिए जगह बहुत फेमस है। कांचीपुरम जो है इस मंदिर के आसपास साड़ियाँ बहुत फेमस हैं। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है हमारा अमरनाथ मंदिर। फिर से आ गया जाना पहचाना अमरनाथ मंदिर। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। यह कश्मीर राज्य के श्रीनगर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कश्मीर राज्य के श्रीनगर में पड़ता है। कहते हैं कि यहाँ पे बाबा अमरनाथ खुद ही प्राकृतिक रूप से प्रकट होते हैं हर साल। ठीक है, हर साल भगवान शिव यहाँ पे लोगों को, भक्तों को दर्शन देते हैं। ठीक है, और यह जो अमरनाथ मंदिर है दोस्तों, यह ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है। वहाँ पे ग्रेटर हिमालय में यह पड़ता है यह मंदिर। ठीक है, और यहाँ पे जो है इस मंदिर के अंदर, अमरनाथ मंदिर के अंदर जो है, गुफा के अंदर जो है बर्फ का ज्योतिर्लिंग बनता है हर साल। हर साल बर्फ का ज्योतिर्लिंग बनता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं बाबा अमरनाथ। ठीक है, वही भोलेनाथ हैं और उन्हीं का दर्शन करने के लिए लाखों करोड़ों लोग जाते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? बद्रीनाथ मंदिर। ठीक है, यह उत्तराखंड राज्य के, राज्य में अलकनंदा नदी के किनारे पड़ता है। उत्तराखंड राज्य के अलकनंदा नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, बद्रीनाथ तो इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। यह मंदिर जो है चार धाम में से एक है। सबसे पहले तो इसको जान लेंगे कि यह चार धाम में से
एक आता है बद्रीनाथ, ठीक है। और यह दोस्तों 7वीं सदी में बना था। कौन बनाया था इसे? आदि शंकराचार्य ने। बहुत पुराना मंदिर है बद्रीनाथ, ठीक है। यह 7वीं सदी में बना था और इसे आदि शंकराचार्य ने बनाया था, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर, यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम में, कंदरिया महादेव मंदिर से, ठीक है। और यह मंदिर जो है खजुराहो में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो खजुराहो में पड़ता है। कंदरिया महादेव का मंदिर दोस्तों 999 ईस्वी में बना था और इसे चंदेल यशोवर्मन ने बनाया था, ठीक है। चंदेल यशोवर्मन ने इसे बनाया था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर, ठीक है, कैलाश मंदिर के बारे में जानते हैं। यह एलोरा जिला के औरंगाबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो एलोरा जिला के औरंगाबाद में पड़ता है। यह मंदिर दोस्तों 760 से लेकर 753 ईस्वी में बना था और यह राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण ने बनाया था इसे, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण ने बनाया था। अगला है दोस्तों दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में, जिले के देवगढ़ में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में पड़ता है और इसे यह मंदिर जो है गुप्त काल में बना था। कब बना था? गुप्त काल में। नेक्स्ट है दोस्तों एलिफेंटा की गुहा। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं एलिफेंटा की गुहा। यह मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 12 किलोमीटर दूर पे है। कितना दूर पे है? मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर दूर। यह 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक के बीच में बना है, ठीक है। 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच बना है और इसे सिल्हारा वंश के राजा ने बनाया है, ठीक है। सिल्हारा वंश के राजा ने बनाया। नेक्स्ट है दोस्तों मामल्लपुरम। मामल्लपुरम मंदिर, ठीक है। तो दोस्तों यह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 55 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है यह मंदिर और यह 7वीं शताब्दी में बना है। कब बना है? तो 7वीं शताब्दी में बना है। इसे पल्लव वंशी ने बनाया था, ठीक है। पल्लव वंशी ने बनाया था। अगला है दोस्तों कैलाश मंदिर, ठीक है। कैलाश मंदिर दोस्तों, एक कैलाश मंदिर हम लोग ऊपर पढ़े हैं लेकिन यह दूसरा है, ठीक है। वह एलोरा जिला के औरंगाबाद में पड़ता है और यह जो है तमिलनाडु के कांचीपुरम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के कांचीपुरम में पड़ता है, ठीक है। वह जो है, जो हमने कैलाश मंदिर के बारे में पढ़ा था, वह एलोरा जिला के औरंगाबाद में पड़ता है और वह 760 जो है ईस्वी में बना था और ये 8वीं शताब्दी में बना है, ठीक है। उसके बाद बना है, 8वीं शताब्दी में बना है और इसे पल्लव वंश के राजा राज सिम्हा ने बनाया है, ठीक है। इस मंदिर को पल्लव वंश के राजा राज सिम्हा ने बनाया है। अगला है दोस्तों बैकुंठ पेरुमल। बैकुंठ पेरुमल मंदिर, ठीक है। यह तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम में ही पड़ता है यह भी मंदिर। कैलाश मंदिर जो है वह भी जो है कांचीपुरम में पड़ता है और यह भी बैकुंठ पेरुमल, यह भी तमिलनाडु के राज्य के कांचीपुरम में ही पड़ता है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और यह 7वीं शताब्दी में राजा नंदीवर्मन ने द्वितीय ने इसे बनाया था। 7वीं शताब्दी में राजा नंदीवर्मन द्वितीय ने बनाया था, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है गंगकोंड, ठीक है। थोड़ा ही और है, गंगईकोंड चोलपुरम। गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, ठीक है। यह दोस्तों तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली में पड़ता है, ठीक है। और यह प्रथम राजेंद्र चोल ने बनाया था इसे। कौन बनाया था? तो प्रथम राजेंद्र चोल ने इसे बनाया था, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है वदकुनाथन मंदिर। वदकुनाथन मंदिर, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों, यह केरल के थ्रिसूर शहर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरल के थ्रिसूर शहर में पड़ता है। दोस्तों इस मंदिर को अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। यह मंदिर को अवार्ड भी मिला हुआ है और यह 1300 साल पुराना मंदिर है। कितना पुराना है? 1300 साल पुराना मंदिर है। नेक्स्ट है दोस्तों नल्लई पार। नल्लई पार मंदिर, ठीक है। यह मंदिर जो है दोस्तों तमिलनाडु के तिरुन लवली जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के तिरुन लवली जिला में पड़ता है और यह 700 AD में बना था और अर्ली पड़यास ने इसे बनाया था। कौन बनाया था? अर्ली पड़यास, ठीक है। तो दोस्तों यह था हमारा मंदिर का टॉपिक। इतना मंदिर के बारे में हम लोग डिटेल से नॉलेज लिए और इतने मंदिर के बारे में
हम लोग जाने। दोस्तों ज्यादा डिटेल मैं इसलिए आप लोग को नहीं दिया कि आप लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डिटेल का मतलब ये है कि इससे तो क्वेश्चन डिटेल से तो बनेंगे नहीं, इसमें क्वेश्चन इतना ही बनता है कि मंदिर कब बना है, कहाँ पड़ता है और कौन सा मंदिर है, ठीक है, तो इतना आपको बस पहचानना होता है, इसमें यही क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल नहीं बताया, नहीं तो मैं आपको एक एक मंदिर का सब कुछ कहानियां पूरा बताता कि एक मंदिर हर मंदिर में कौन सी कहानी है, क्यों मंदिर बना है और किसने बनाया है और कब बनाया है, सब कुछ उसके बारे में और भी सारी चीजें मैं आपको बताता। जैसे मैंने आपको ब्रह्मा जी की कहानी सुनाई है पुष्कर के मंदिर के लिए, वैसे ही मैं सारी मंदिरों को डिटेल से डिस्क्राइब कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डिस्क्राइब किया कि वहां से क्वेश्चन तो बनते नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि हाँ धीरे धीरे मैं आपको कभी कभी सुनाता रहूंगा, एक एक गॉड के बारे में, एक एक गॉड की हिस्ट्री आपको मैं जरूर सुनाऊंगा, ठीक है। तो यह था हमारा मंदिर का चैप्टर, यहाँ पे हमारा मंदिर का चैप्टर क्लोज होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक है, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू सो मच।